गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो के साथ आया हूँ। RIE मैसूर की BSc BEd PCM की लिस्ट जारी हो गई थी, मैंने वीडियो डाल दिया है, और BA BEd की भी जारी हो गई थी, वो भी मैंने वीडियो डाल दिया है, लेकिन CBZ की जो लिस्ट थी वो थोड़ी लेट आई थी, तो वो वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ। और साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने, फर्स्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर क्या है, और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार रखने हैं, क्या क्या अपलोड करने हैं, वो सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपने जो पूछे हैं मेरे को कमेंट्स करके, कमेंट सेक्शन में जा करके, वो मैं आपको उनके जवाब भी दूंगा, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये लिस्ट है मैंने यूट्यूब चैनल, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिए हैं PDF में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, और लिंक मैंने उसमें दे दिया है, इसमें भी मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो RIE मैसूर है उसकी जो साइट पर जा करके हम ये खोलते हैं, BSc BEd CBZ की लिस्ट खोलते हैं। तो मैंने बताया था पहले कि जो अजलन के कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये पहले बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। भाई आएगी कैसे नहीं वेटिंग लिस्ट, अजलन के नाम का एक बच्चा है, जहीन बच्चा है, इंटेलिजेंट है, 100% परसेंटेज उसके है, उसका चार जगह नंबर है, PCM में तीनों में है, और फिर यहाँ आप देखोगे PCM BA BEd में भी है। तो भाई वो चार जगह थोड़ी पड़ेगा, कहीं एक जगह ही तो एडमिशन लेगा, और भी कई बच्चों के नाम मैंने बताए हैं, स्टूडेंट्स के नाम बताए, तो वेटिंग लिस्ट तो आएगी। चलिए अब शुरू करते हैं BSc CBZ। ये पहले आंध्र प्रदेश की लिस्ट है, मैं कुछ नाम बोलूँगा बस, वी लक्ष्मी प्रसन्ना साई जनरल में 99.58 है, और फिर मुत्याला प्रांत प्रणति और बांद्री हरीश, तो इनके ये कट ऑफ है 97.71। ये जनरल कैटेगरी में सिर्फ जनरल का एक बंदा है और दो SC के। ऐसे ही यहाँ OBC में है बुच्चा बाला कृष्ण और सुप्रजा पल्लव, ठीक है, कट ऑफ है 96.17। SC में मुलाका मनसा 95.83 और RK चंदूलाल राठौड़ ये ST में है 87.83 और EWS में है जनरल में स्वप्ना सूर्य देवरा जनरल 97.29। ऐसे ही कर्नाटक में है जनरल कैटेगरी में दो ही जनरल के हैं, फिर एक ST और दो OBC के हैं, अपिला तस्कीन है, उमेश आराध्या पी हैं, हेमलता यू हैं, दिव्या आर और मनथेशा ये हैं, और कट ऑफ है 95.33। तो यहाँ OBC में शायनी चार्लीज है और भावना SD हैं, कट ऑफ 97.33। और SC में आ जाइए, S पृथ्वीराज चौहान SC 93.67 और ST में है गंगोत्री N। इनका नाम पहले भी आप दूसरी BA BEd की लिस्ट में भी देख सकते हैं, तो ये ST में 96.67, गंगोत्री वहाँ भी है, गंगोत्री यहाँ भी है। EWS में लक्ष्मी के श्याम जनरल 96.33, PWD में हुआ है चैत्रा R तो जनरल में 91.33 जनरल से हैं ये। केरला में जनरल कैटेगरी में तीन का नाम है और जनरल जो OBC के हैं दो टॉपर हैं, लिया हनन पी, अजलन के, देखिए अजलन के यहाँ भी हैं, यहाँ 100% केरला में, तो अजलन के कितनी जगह हैं, पांचवी जगह अजलन के का नाम है, देखिए ये बच्चा बार बार आ रहा है 100% केरल की, उसमें PCM में भी 100% है और CBZ में भी 100% है, तो यहाँ अजलन के हैं, जीना जोश हैं, यहाँ 100% है, ठीक है। और ये नासना AP OBC 100% और OBC भी यहाँ 100% पे एडमिशन है, और SC में अधीरा वासलान 96 एंड EWS में काव्या LS 99.33 और रीजनल PWD अंजुला AL जनरल से हैं, तो इनका 88.5। तमिलनाडु से सौम्या S, लक्षणा S, रमना, विपाशा मंडल, तेजस्वी राजा रिधु 95% है, ये कट ऑफ है, इसमें दो ही जनरल हैं पांच में से, बाकी सारी OBC ने फिल की है सीटें, OBC की कट ऑफ है 94.6 है, ठीक है। तो यहाँ M रितिका राजू, अगस्थीश्वर बी और R सौंदर्या, ठीक है। SC में है तमिल इलेक्या टी, KS प्रज्ञा, तो 88.67। ST में स्वास्थ्य पी और 80
0.33, ये थोड़ी कम गई है। और EWS में SN पवित्रा है, इनकी 86 है। तेलंगाना में जाएंगे तो आपके कुंभमपति श्री रत्ना वैष्णवी जनरल में 99% है। और मोगलीपुत्री श्रुति, ये ऐतिहासिक नाम है मोगलीपुत्री पुरी, मोगलीपुरी श्रुति 98.83। और यहाँ देखिए टी माधवी भविष्य में चित्तक कुंटा और देवरश्मिता, तो ये 95.67 है। SC में अदला श्वेता है 98.67। और पुडुचेरी से एक नाम है अस्फिया सिद्दीकी DR, ये दोबारा नाम आप पढ़ रहे हैं ST में 98.16। अब कई नाम जो दोबारा आए हैं तो आप जानते हैं कि वो एक जगह ही एडमिशन लेंगे, और दो बार आए, तीन बार आए, चार बार आए तो एक जगह ही एडमिशन लेंगे, तो वो सीट खाली जाएगी, तो वो दोबारा उनके वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस जो वेट लिस्ट आई है उनको आपको क्या क्या करने हैं, ठीक है, आज ये जारी हो गई है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, आपको अपलोड करने हैं, प्लीज़ अपलोड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो इन जिप फाइल। देखिए मैं बढ़ के बता देता हूँ, बाकी मैं इसको PDF फाइल में भी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम में PDF फाइल बना के उसमें अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं धीरे धीरे चलाऊंगा। पहली है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रैंक लिस्ट, सेकंड मार्क्स कार्ड ऑफ क्लास 10th एंड 12th क्लास, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम द डोमिसाइल स्टेट, फोर OBC सर्टिफिकेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, फाइव EWS सर्टिफिकेट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, सिक्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सेवन कंडक्ट सर्टिफिकेट, एट माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट देन अदर देन कर्नाटका, कर्नाटक वालों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है, बाकी अदर स्टेट के हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ लगेगा। नाइन्थ PH सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, टेंथ पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट फॉर OBC एंड जनरल मेरिट कैंडिडेट हुज इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख पर NM, जिनकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है उनका मेरिट, जनरल लोगों का मेरिट लिस्ट, जनरल मेरिट कैंडिडेट तो उनका भी ये लगेगा, जनरल में आने वालों का भी। OBC का सर्टिफिकेट लगेगा इनकम का, लेटेस्ट स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पेमेंट ऑनलाइन थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट, लिंक ये दे रखा है, इस लिंक पे जाके आपको वो अब कॉपी ऑफ रिसिप्ट टू बी अपलोडेड विद प्रोग्राम एंड रजिस्टर्ड। अब आप यहाँ पेमेंट कर देंगे, फिर उसकी रिसिप्ट की कॉपी आपको अपलोड करनी है, तब समझा जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। पे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी फी नाउ फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बिफोर द शेड्यूल टाइम विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द सीट अलॉटेड, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, सीट अलॉटमेंट की है वो कैंसिल हो जाएगी, शेड्यूल टाइम में नहीं किया तो। फी वंस पेड टू द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिफंडेड, यानी आपने एक बार फीस जमा कर दी तो वो फीस वापस आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी नोटिसड इन द नोटिस्ड इन द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट लेटर स्टेज द सीट अलॉटमेंट विल बी विदड्रॉन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, अगर आपके जो आप कागज पत्र अपलोड करेंगे बाद में पाया गया कि ये आपके गलत हैं तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी जाएगी, वो कारण बताए बिना। द जिप फाइल में बी अपलोडेड टू द कंसर्न फॉलोइंग ईमेल आईडी, तो आपको जिप फाइल बना के कहाँ अपलोड करनी है, अगर आपने MSc BEd PCM से अप्लाई किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया, तो आपको academy@gmail.com पे करना है। अगर आपने BSc BEd PCM CBZ से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कई बच्चों के चार जगह नाम है, अगर चार जगह आप तीन जगह आप अप्लाई करोगे तो आपको सब जगह फीस जमा करानी, ध्यान रखना, इसलिए अब आपको एक जगह जहां आपको एडमिशन लेना वहां करेंगे, BSc BEd में लेना है या BSc BEd PCM में लेना है CBZ में, तो आपको कहां करना है, DESM@gmail.com। और अगर BEd में अप्लाई करना है तो humanities@gmail.com, यहां आपको ये अपलोड कर लिया, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये चार चार जगह बच्चों के नाम आ रहे हैं तो एक जगह अप्लाई करेंगे, दो जगह आ रहे हैं, तीन जगह आ रहे हैं तो वो करेंगे तो एक जगह अप्लाई, तो फिर वो जो सीट खाली रह जाएंगी उनकी मेरे विचार से वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए।
ठीक है, ये मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे सर कितने पैसे करने हैं, जमा कितने करने हैं, कितना स्टेट बैंक में कितना पेमेंट करना है, तो आप फी स्ट्रक्चर देख लीजिए। फर्स्ट ईयर के लिए फी स्ट्रक्चर है ये, देखिए ये बीएससी बीएड के लिए फी स्ट्रक्चर है 2020-21, कर्नाटका के लिए ये, जनरल और एस सी एस टी के लिए, कर्नाटका जनरल और एस सी एस टी के लिए अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लिए ये, अदर बोर्ड के लिए ये, अदर स्टेट के लिए, जनरल के लिए, एस सी एस टी के लिए ये। अब देखो सीधे सीधे चलिए, एडमिशन स्पोर्ट्स एंड गेम एक्स्ट्रा ये आप खुद नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, सीधे सीधे टोटल के ऊपर चलूंगा। तो आप कर्नाटका के अगर निवासी हैं, जनरल से हैं, तो आपके कुल फीस लगेगी 11,250, 11,250। अगर एस सी एस टी से हैं आप कर्नाटका के में, तो आपको लगेगी 6,250, यानी आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। यहाँ देखिए ट्यूशन फीस यहाँ 5,000 है, यहाँ 0 है, बस ये फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। तो यहाँ आपकी फीस इतनी लगेगी, 6,250। अब कर्नाटका के अदर बोर्ड के आप, ये स्टेट बोर्ड के थे उनकी थी, कर्नाटका के अदर बोर्ड के, तो भी आपकी फीस, जनरल के हैं तो 11,250, एस सी एस टी के हैं तो भी आपकी 6,250, यानी कोई चेंज नहीं। और अदर स्टेट के हैं जनरल के तो 11,250 और एस सी एस टी के हैं तो 6,250, यानी फीस में कुल मिला के बात यह है कि अगर आप जनरल के हैं तो आपकी फीस लगेगी 11,250, 11,250, और एस सी एस टी के हैं तो आपकी फीस लगेगी 6,250, 6,250 रुपये। ये तो हो गई पहला, अब दूसरा भी जोड़ना पड़ेगा, आपकी यूनिवर्सिटी फीस कितनी लगेगी ये देख लीजिए। मैं ये बता देता हूँ, स्टूडेंट वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ये सारा मिला के आपकी कुल फीस कितनी लगी, 3,460, 3,460 जनरल की, ठीक है, और एस सी एस टी की कितनी लगेगी, 3,460। बराबर बराबर आप देख रहे हैं कितनी लगेगी, जो अगर कर्नाटका के हैं तो आपकी इतनी लगेगी, एस सी एस टी के हैं तो आपकी कितनी हो गई है टोटल फी, 14,710 अगर जनरल कर्नाटका के हैं तो, और कर्नाटका के एस सी एस टी हैं तो हो गई 9,710, ठीक। तो ये ट्यूशन फीस का ही अंतर है और कुछ नहीं। लेकिन अब आप यहाँ आ जाइए, अगर आप अदर बोर्ड से हैं, कर्नाटक बोर्ड से नहीं हैं, तो यहाँ लगेगी आपकी जनरल की फीस 19,660, 19,660, और एस सी एस टी होंगे तो भी आपकी 14,660, ये फीस आपकी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी फी है, ये यहाँ इसका अंतर आ रहा है 4,950, ये यहाँ इतना अंतर आ रहा है, इस वजह से आपकी फ़ीस ज़्यादा लग रही है, 5,000 रुपये का यहाँ मोटा मोटा अंतर आ रहा है, और भी अंतर आ रहा होगा लेकिन मोटा अंतर ये यहाँ आपको यहीं मिल रहा है लास्ट में 10 नंबर पे। और अब देख लीजिए, अगर आप अदर स्टेट के हैं, अदर देन कर्नाटका, ये तो बोर्ड का अंतर आ गया, आप कर्नाटक बोर्ड के हैं तो जनरल की ये, एस सी एस टी की है, आप कर्नाटक स्टेट के हैं लेकिन अदर बोर्ड के हैं तो जनरल की ये 19,960 और अदर की ये। लेकिन अगर आप अदर देन कर्नाटका है, ठीक है ना, और अदर बोर्ड है, तो आपकी लगेगी फी टोटल, ये देखिए यहाँ, ये यहाँ आप चेंज देख लीजिए, यहाँ ये तो बराबर थी, अब यहाँ देखिए, यहाँ कर्नाटका अदर बोर्ड के 8,410, यहीं 4,950 का अंतर आ गया, लेकिन यहाँ आएंगे तो बहुत अंतर आ जाएगा। आप अगर अदर स्टेट के हैं, जनरल के हैं, एस सी एस टी के हैं, तो यहाँ देखिए जनरल के हैं तो आपके लगेंगे 19,419, ये देखिए 9th एडिशनल रजिस्ट्रेशन फी फर्स्ट ईयर ओनली, ये आपके 11,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, या ये 11,000 रुपये, और ये इसलिए कर्नाटक में आप में इतना अंतर आ गया, कर्नाटक वालों के 14,710 फीस लग रही है जनरल की, और यहाँ लग रही है, यानी टोटल ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ के बता दिया आपको, है ना, ये देखिए पहले इसको जोड़ेंगे यूनिवर्सिटी फी को, तो इसमें ही कितना अंतर आ गया, 3,460, और यहाँ आ गया 19,410, 16,000 के लगभग फर्क आ गया। तो यहाँ आपको टोटल फीस ये जमा करानी है 30,600, अगर आप दूसरे तेलंगाना के हैं, आप एपी के हैं, कर्नाटका, 30,660 रुपये, 30,660, अगर एस सी एस टी के हैं तो सिर्फ आपको 5,000 का फ़ायदा मिलेगा, 25,660, बस आपको ट्यूशन फी में फ़र्क मिल रहा है, बाकी आपको इतनी फीस लगेगी। देख ली, हॉस्टल चार्ज आप देख सकते हैं, ये सबके 4,000 रुपये लगेंगे, कर्नाटका के एस सी एस टी उनके भी इतने लगेंगे, कर्नाटका अदर बोर्ड के हैं उनके भी इतने, 4,000 रुपये आपके लगेंगे हॉस्टल फी के, रूम रेंट इलेक्ट्रिसिटी सब आ गई इसमें, ठीक है। और अब मेस एडवांस सर्विस चार्जेस वगैरह ये आप देखेंगे तो ये
गर्ल्स एंड बॉयज़ के, ये गर्ल्स के लगेंगे 13,000 13,000 और बॉयज़ के लगेंगे 15,000, ठीक है। हॉस्टल फी लगेगी यहाँ गर्ल्स की 17,000, बॉयज़ के लगेगी 19,000, ये आप जोड़ के देख लीजिए। टोटल देखेंगे, कुल मिला के देखेंगे तो ये क्या हो गया कि कौन से जुट गए, ये 4,000 ये और 13,000 ये, तो कुल मिला के कितना हो गया टोटल गर्ल्स की 17,000 और बॉयज़ की 19,000। तो फी कितनी हुई दोस्तों, ये देख लिए एस सी, ये कर्नाटक जनरल 14,710 प्लस 17,000, बॉयज़ 19,000, गर्ल्स 17,000, और ये एस सी एस टी हैं तो ये बस ये आपको ये कट कर देना 9,710 प्लस ये। अगर आप डेली स्कॉलर हैं तो अलग फीस होगी आपकी, ये फी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, आपके खुद के समझ में आ जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तरीके से देखिए, आप जो आपको कागज अपलोड करने हैं आप जो भी, तो वो आप सब अपलोड कर दें जिससे आपके कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ, और भी कोई ज़रूरी जानकारी होंगी मैं आपको देता रहूँगा, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।